अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका वो सलमान शेख। तो आज हम आपके लेके आए हैं 5 मरला VVIP हाउस विच इज़ अवेलेबल फॉर सेल इन सिटी हाउसिंग JLM। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए वीडियो आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं इस घर का। स्पेनिश डिज़ाइन के अंदर ये घर बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है। राइट साइड के ऊपर 40 फीट वाइड रोड जा रही है, लेफ़्ट साइड में भी आपकी 40 फीट वाइड रोड है और ये रोड सीधी आपकी मस्जिद की तरफ, अमेनिटीज़ की तरफ और पार्क की तरफ जाती है। वाइड आपको एक्सटर्नल लॉन दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है, साथ LED लाइट्स दी हुई हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। मेन डोर देख सकते हैं इस घर का, काफ़ी खूबसूरत है और वुडन टच दिया हुआ है इसके ऊपर। ऊपर 2 लैंप्स लगे हुए हैं। एंटर होते साथ ही आप ये कार पोच देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है। मैट फिनिश में टाइल देख सकते हैं आप, सामने की तरफ मोज़ाइक देख सकते हैं आप विद LED लाइट्स। राइट साइड के ऊपर आप वॉलपेपर देख सकते हैं विद LED लाइट्स। पेंट का टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे टाइल प्लस आर्टिफिशियल ग्रास विद LED लाइट्स दिए हुए हैं। कार पोच की लेफ्ट जो वॉल है उसके ऊपर भी आप ये देख सकते हैं वॉलपेपर विद LED लाइट्स। सीलिंग आप देख सकते हैं इस घर की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सीलिंग का वर्क हुआ हुआ है। लेफ़्ट साइड पे आप ये मोटर का स्विच देख सकते हैं, यहाँ पे भी आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया गया है विद टाइल एंड LED लाइट्स, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। मेन डोर देख सकते हैं इस कार का, सॉलिड डोर्स हैं, इटालियन लॉक्स हैं। तो चलिए आपको इंटीरियर दिखाते हैं इस कार का। तो एंटर होते साथ ही आप ये देख सकते हैं वेलकमिंग सी टाइल लगी हुई है, सामने की तरफ आपका वॉलपेपर लगा हुआ है स्टेयर्स के नीचे, और ऊपर फानूस देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। एंटर होते साथ ही लेफ़्ट साइड पे आपका हॉल है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, सामने की तरफ आपका वॉलपेपर देख सकते हैं विद LED लाइट्स। सीलिंग देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सीलिंग का वर्क हुआ हुआ है। हॉल में सामने की तरफ आपका LCD का पॉइंट दिया हुआ है और ऊपर काफ़ी खूबसूरत से लैंप्स लगे हुए हैं। सामने की तरफ आप ये देख सकते हैं आपका ड्राइंग रूम है जिसको आप आर्टिफिशियल वॉल या कर्टन के साथ सेपरेट कर सकते हैं। सामने की तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडोज़, ऊपर AC का पॉइंट दिया हुआ है। सीलिंग देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे वॉलपेपर देख सकते हैं विद LED लाइट्स। राइट साइड पे भी वॉलपेपर देख सकते हैं विद LED लाइट्स। नीचे आपका एक बेडरूम है, तो यहाँ से बेडरूम देख सकते हैं आप, सामने की तरफ वॉलपेपर दिया हुआ है और यहाँ पे भी आप सामने की तरफ वॉलपेपर देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत से लैंप्स लगे हुए हैं। टाइल देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। वार्डरोब्स, सीलिंग देख सकते हैं। इसके साथ ही आपका अटैच वाशरूम है और आपका लॉन्ड्री वाला एरिया है। तो सबसे पहले मैं आपको अटैच वाशरूम दिखाता हूँ। अटैच वाशरूम दिखाने से पहले यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपका LCD का पॉइंट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका अटैच वाशरूम दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी वर्क हुआ हुआ है, मास्टर की फिटिंग लगी हुई है। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़, सेफ्टी ग्रिल्स, एग्जॉस्ट फैन। तो यहाँ से आप लॉन्ड्री का डोर भी देख सकते हैं जिसके अंदर आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ भी दी हुई हैं। और बाइड आप देख सकते हैं लॉन्ड्री एरिया में मैट फिनिश में टाइल है, आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया गया है विद LED लाइट्स जो कि रात टाइम काफ़ी ग्लो करती हैं, काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। काफ़ी स्पेशियस एरिया है, यहाँ पर टैप लगी हुई हैं, यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं। तो नीचे आपका किचन भी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं UV की शीट लगी हुई है और हर शीट के अंदर आपको देख सकते हैं LED लाइट्स का यूज़ किया गया है। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ देख सकते हैं आप, अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी वर्क यहाँ पर भी हुआ हुआ है। सीलिंग देख सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन। तो चलिए आपको फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस दिखाते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर जाने के से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, नीचे आपका एक पाउडर रूम दिया हुआ है जो कि आपके गेस्ट वगैरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मैं पाउडर रूम दिखा देता हूँ,
यहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी का सेंट्री वर्क हुआ हुआ है, अमेरिकन सीट भी लगी हुई है और देसी सीट भी, ये आप गेस्ट वगैरह यूटिलाइज कर सकते हैं। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। तो यहाँ से आप स्टेयर्स में देख सकते हैं, स्टेयर्स के साथ वाली जो वॉल्स है इसके अंदर आपके वॉलपेपर लगा हुआ है एलईडी लाइट्स के साथ, सामने की तरफ भी आपका वॉलपेपर लगा हुआ है विद एलईडी लाइट्स। तो यहाँ से आपको मैं दिखा भी देता हूँ, थ्रू आउट द स्टेयर्स आपका वॉलपेपर लगा हुआ है विद एलईडी लाइट्स, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो फर्स्ट फ्लोर में एंटर होते साथ ही आप ये हॉल देख सकते हैं, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। सामने की तरफ वॉलपेपर, लैंप्स लगे हुए हैं, लाइट्स, सीलिंग देख सकते हैं आप। लेफ्ट साइड पे भी आपका वॉलपेपर दिया गया है जिसके अंदर एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, और सामने की तरफ आप ये देख सकते हैं आपका एलसीडी का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे भी बीच में एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। तो ऊपर आपके तीन बेडरूम्स हैं, तीनों आपको दिखाते हैं। तो जी वीर, यहाँ से आप फर्स्ट बेडरूम देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है, टाइल देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, सॉलिड डोर्स हैं, सामने की तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ है, ऊपर एसी का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे वॉलपेपर देख सकते हैं विद एलईडी लाइट्स, इस साइड पे भी वॉलपेपर लगा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी एलसीडी लगा सकते हैं, एलसीडी का पॉइंट दिया हुआ है। वार्डरोब्स देख सकते हैं आप, और साथ अटैच वाशरूम है, यहाँ से आप अटैच वाशरूम भी देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का सेंट्री वर्क हुआ हुआ है। तो जी वीर, यहाँ से आप सेकंड बेडरूम देख सकते हैं, टाइल देख सकते हैं, सामने की तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडोज़, वार्डरोब, एसी का पॉइंट दिया हुआ है। इस साइड पे देखेंगे तो आपको वॉलपेपर लगा हुआ है एलईडी लाइट्स के साथ, और सामने की तरफ आप ये देख सकते हैं आपका एलसीडी का पॉइंट दिया हुआ है, साथ अटैच वॉशरूम है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं मास्टर की फिटिंग हुई हुई है, वेंटिलेशन के लिए विंडोज़। तो चलिए आपको थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। तो जी व्यूअर्स, यहाँ से आप थर्ड बेडरूम देख सकते हैं, सामने की तरफ वॉलपेपर देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर लगा हुआ है, एलईडी लैंप्स देख सकते हैं आप, सीलिंग देख सकते हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए दो बड़ी विंडोज़ हैं विद सेफ्टी ग्रिल्स, और यहाँ से आप ये देख सकते हैं वार्डरोब्स हैं आपकी, और साथ आपका अटैच वॉशरूम है, अगेन काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हैं, एग्जॉस्ट फैन है। तो थर्ड बेडरूम के साथ ही आपका छोटा सा टेरेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एलईडी लैंप्स लगे हुए हैं, ऊपर आपका फाइबर लगा हुआ है, और यहाँ से आप व्यू भी देख सकते हैं। बी ब्लॉक है सिटी हाउसिंग जेलम का, ओल्ड कटिंग पोर्च एरिया है, मस्जिद पास है, अमेनिटीज सारी पास है, पार्क पास है। तो चलिए आपको रूफ ऑफ द हाउस दिखाते हैं। तो जी वी आर नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द हाउस। तो यहाँ से एंटर होते साथ ही आप ऊपर देख सकते हैं आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे अपनी स्टोरेज वगैरह लगेज वगैरह रख सकते हैं। यहाँ से आप रूफ का गेट देख सकते हैं, एंटर होते साथ ही आप ये देख सकते हैं ऊपर आपको मार्बल लगी हुई है। वाटर टैंक देख सकते हैं, स्पेनिश डिज़ाइन में यह घर बना हुआ है, यहाँ से आप व्यू भी देख सकते हैं सिटी हाउसिंग जेलम का, पीछे मस्जिद है और पार्क है, और सारी अमेनिटीज़ जो सी है वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। तो इस घर की जो डिमांड है वो 1,80,00,000 रुपए है, मौके के ऊपर इसके अंदर थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाएगी। तो कोई भी भाई इस घर में इंटरेस्टेड हुआ वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिटेल दी हुई है। आपके लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।